इंटरव्यू ऑफ गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमित मिगलानी बाय एशिया मेडिकल न्यूज। डॉक्टर मिगलानी जी, आप फोर्टिस हॉस्पिटल फरीदाबाद के गैस विशेषज्ञ हैं और गर्मी का मौसम आ रहा है, समय बदलता जा रहा है। इस समय गर्मी के मौसम में काफी पेट की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो उनसे कैसे निजात किया जाए और क्या उनके विशेष उपाय हैं, बताएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित मिगलानी, पेट और लीवर का विशेषज्ञ फोर्टिस हॉस्पिटल से। सबसे पहली बात यह है कि गर्मी का मौसम आ रहा है और जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि गर्मी के मौसम में प्यास ज्यादा लगती है, तो अमूमन क्या करते हैं कि हम प्यास लगती है तो रेड़ी वाले से या कहीं पे भी चलते फिरते कहीं पे भी रेड़ी से या किसी भी दुकान से हम पानी पी लेते हैं या खुला पानी पी लेते हैं जिसपे मच्छर मक्खियां बैठे होते हैं और वो पानी अधिकतर दूषित होता है। और ये दूषित पानी ही सबसे प्रमुख कारण है कि आपके पेट के अंदर, लीवर के अंदर और आंतों के अंदर इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। इसके अलावा हमारे गंदे हाथ भी होते हैं जो कि एक प्रमुख कारण है कोई भी खाने के इन्फेक्शन को हमारे पेट के अंदर जाने से। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि हम साफ पानी पिएं और अच्छा खाना खाएं और खाना खाने से पहले हाथ धोएं और ये खुला रेड़ी वाला पानी अवॉइड करें अनलेस एंड अंटिल कि हमें पता हो कि ये साफ है। इसके अलावा कटे फटे फल जो कि आसपास मार्केट में मिलते हैं या रेडियो से जो खाना खुला सामान मिलता है उस पर भी मच्छर मक्खियां अधिकतर बैठ जाते हैं और जो कि खाने को दूषित कर सकते हैं और वो दूषित खाना फल फ्रूट आपको अगर हम खाते हैं तो उससे भी हमारे पेट और आंतों में इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा जो हमें ये सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि हमें रेगुलर नियमित तौर से पानी पीना है और उसके अलावा बासी खाने को भी हमने नहीं खाना क्योंकि कई बार बासी खाना भी पेट के अंदर फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकता है क्योंकि गर्मी में टेम्परेचर एप्रोप्रिएट होता है बासी खाने के अंदर बैक्टीरिया को और वायरस को पनपने के लिए। इसलिए बासी खाने को भी हमें अवॉइड करना चाहिए और गर्मियों में हमें अच्छी मात्रा में पानी पीना चाहिए ताकि हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो। और जब भी हमें घर से बाहर निकले तो एक ठंडा तौलिया रखें ताकि वो आपके जिसे आप सर पे भी रख सकते हैं और इसके साथ साथ एक पानी की बोतल भी साफ पानी की कैरी करें जो कि अगर जब प्यास लगे तो आप वहीं उसी से पानी पिए। अधिकतर बच्चे बर्फ के सामान को खाते हैं बाजार में। हाँ, ये जो बर्फ के गोले बनते हैं या बर्फ के से ठंडा पानी बनता है अमूमन ये बर्फ भी बहुत अच्छे पानी से नहीं बनती और इसके अंदर कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं खासतौर से जो लीवर को इफेक्ट करते हैं वो इस बर्फ के टेम्परेचर में भी सह सकते हैं और ये बर्फ का दूषित पानी भी आपको इन्फेक्शन का सोर्स बन सकता है। तो इसीलिए बर्फ के गोले और ये बर्फ के चीजों को भी को अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू सर। इफ यू लाइक अवर वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।